नमस्कार, हमारे साइबर पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ डाटा स्ट्रक्चर पे। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं एमसीक्यू की बात करूँगा, डाटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू की बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे डाटा स्ट्रक्चर पे, कह रहे थे कि सर आप डाटा स्ट्रक्चर पे भी पहले करा दो। ताकि मैंने सोचा था डाटा स्ट्रक्चर पे मैं थोड़ा सा लेट में कराऊंगा, पहले सी लैंग्वेज और जावा का पहले कंसेप्ट क्लियर कराना था मुझे, ताकि आपको डाटा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि डाटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू आपको समझ में आए। ये मैं उन सभी क्वेश्चन को उठाऊंगा जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं। चलिए मैं एक एक लेक्चर पहले शुरुआत में कम कम लेक्चर लूँगा डाटा स्ट्रक्चर का, और पहले सी लैंग्वेज भी कंप्लीट करूँगा। चलिए बिना देर करते हुए डाटा स्ट्रक्चर के लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले तो कम कम क्वेश्चन लूँगा, चलिए दिखाता हूँ पहले 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एन एरे। ठीक है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एन एरे, कह रहा है कि क्या इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है एरे में। ठीक है, चूँकि डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें तो मेन लिंक लिस्ट ही होता है, लेकिन एरे भी इसका पहला ही पार्ट, पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो एरे से ही शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए, अ डाटा स्ट्रक्चर दैट शोज अ हायरार्किकल बिहेवियर, कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स, कंटेनर ऑब्जेक्ट मिक्स टाइप, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, व्यू आंसर। ठीक है, फिर आपको आंसर भी दिखाएंगे हम। चलिए मैं बता दूँ आपको इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो आंसर होगा कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप। ठीक है, कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एरे का डेफिनेशन है, आपको पता है एरे इज नथिंग, एरे इज ए स्पेशल डाटा टाइप विच कंटेन सिमिलर टाइप्स। ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो एक सिंगल वेरिएबल में, वो भी सिमिलर टाइप का। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, आंसर भी एक्सप्लेनेशन, एरे कंटेन्स एलिमेंट वनली ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। सी लैंग्वेज में जो है एरे को इनिशियलाइज आप कैसे करते हैं, सी लैंग्वेज में एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। एरे का अगर आपको बनाना हो तो पहला ऑप्शन है इंटीजर एरे, ये ब्रैकेट नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप देख लें सिंपल सी जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। आप एरे को ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं सी लैंग्वेज, अगर आपको, मैंने इसलिए बोला अगर आप सी लैंग्वेज को आता आपको तो आप इसको आसानी से आप इसको बता पाते, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स सही होता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट इसमें भी रहता है, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आंसर सी, देखिए दिस द सिंटैक्स टू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। ठीक है, चलिए, हाउ डू इनिशियलाइज इंस्टेंटिएट एन एरे इन जावा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंस्टेंटिएट कह रहा है, यानी सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट कह रहा है कि एरे का जो डिक्लेरेशन पार्ट जो होता है जावा में कैसा होगा। ठीक है, तो एरे का डिक्लेरेशन पार्ट जो जावा में ऐसा होता है, देख के आप आंसर बता सकते हैं। अगर आपने मेरा जावा का लेक्चर देखा होगा तो आप इसको देख के ही आंसर बता पा रहे होंगे कि इसका बी जो आंसर हो जाएगा, इंटीजर एरे। ठीक है, और बता दो सी जो है इसका, सी इसका जो है डिक्लेरेशन विथ वैल्यू है। ठीक है, डिक्लेरेशन विथ वैल्यू है, ये इनिशियलाइजेशन भी है साथ में। ठीक है, वैल्यू के साथ है ये, इसका सी अगर रहता डिक्लेरेशन विथ वैल्यू तो सी हो जाता, अगर सिर्फ कह इंस्टेंटिएट तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे बी इसका आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे कीवर्ड न्यू लगता है, क्योंकि वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे कीवर्ड न्यू यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, इसका बाद में बात करेंगे। चार नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। जावा में जो है कौन सा करेक्ट वे है मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है भी, सेकंड ये भी सही है, थर्ड ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन जो है इसके सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑफ द मेंशन। ठीक है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों तरीके से हम जो है जावा में मल्टी डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रोग्राम का है, जो कि जावा का प्रोग्राम है, जो कि एरे का है। आप जावा में डाटा स्ट्रक्चर पढ़ें या सी में पढ़ें, दोनों कॉमन ही है। आजकल थोड़ा एडवांस चल रहा है जो कंपटीशन एग्जाम में, जो कंपटीशन का ही क्वेश्चन है ये जो है, मैं बता दूँ ये NTRO का, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट का एग्जाम होता है, टेक्निकल असिस्टेंट का, उसका क्वेश्चन है ये, जहाँ पे जावा बेस्ट क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्लास बनाया गया एरे, और ये जावा का है पब्लिक स्टडी वाइड मेन स्ट्रिंग AR, जावा का कोड लिखा गया। ठीक है, पहले एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे जिसमें कि चार वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पहला प्रिंट करा रहे हैं 2। ठीक है, 2 की इंडेक्सिंग पहले सुन लीजिए आप, कि इसकी इंडेक्सिंग जो शुरू होती है 0 शुरू होती है, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये। ठीक है, तो 3 पहला आउटपुट 3 आ जाएगा, फिर 4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 3 एंड 5 इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, इसका पूछेगा 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 3 एंड 5, 5 एंड 3, 2 एंड 4, 4 एंड 2, तो इसका आंसर आप बता पाएंगे 3 एंड 5। ठीक है, क्यों बता पाएंगे, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। ठीक है, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम को बताएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन में आप देख लीजिए, चलिए प्रोग्राम बताएंगे, पब्लिक क्लास एरे पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। ठीक है, यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज किया गया है, यहाँ पे
पांच वैल्यू फिर से दिया गया है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ वैल्यू पूछ रहा है 5 का, तो मैं बता दूँ जी ये तो एरिया आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट नहीं है, 5 तक तो वैल्यू गया नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है, इसलिए इसका एरर तो नहीं आएगा, लेकिन रन टाइम एरर जरूर आएगा, इसको कंपाइल टाइम एरर नहीं कहते, इसको रन टाइम एरर कहते हैं, इसलिए आ जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, कि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इसलिए आपका इसका आंसर सी लगा लेंगे, ठीक है, इसका आंसर आप सी लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी किसी भी लैंग्वेज में आता है तो आप आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन डज द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एरर, अभी तुरंत मैंने बताया कि पूछ रहा है कब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर होता है, कब होता है, तो रन टाइम पे होता है, सिंपल सी बात है, रन टाइम पे जब कंपाइल भी हो जाता है, एरर एक नहीं है ये, जब रन टाइम करते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरेज, इसमें से कौन सा है जो कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है एक्सटेंसिव यूज ऑफ, बाइनरी ट्री और है शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, कैसिंग, स्पैशियल लोकेलिटी, मैं आपको बता दूँ स्पैशियल लोकेलिटी जो है एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे को दर्शाता है, स्पैशियल लोकेलिटी एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे को दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद कर लेंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा पढ़ दूँ, वेन एवर अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज रेफर्ड इट इज लाइकली दैट द लोकेशन नियर बाय आल्सो रेफर्ड, एरे आर स्टोर्ड एज कंटिग्यूस ब्लॉक्स इन मेमोरी, सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस एरे एलिमेंट स्पैशली लोकेटेड मैक्स इट एक्सेस क्विकली, ठीक है, अगर आप इसको स्पेशली लोकेलिटी मैक्स करेंगे तो क्विकली एक्सेस होगा, ठीक है, एरे में ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए थोड़ा सा इसका जो है फॉर्मेटिंग में सही नहीं कर पाया इस PDF में, चलिए मैं अगली बार से अच्छे से करूँगा, मैं ये बता दूँ ये वाला बस 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया था मेरे से, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एरे, कह रहा है कि एरे का एडवांटेज क्या है, एरे का एडवांटेज क्या है, लेकिन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, एरे का एडवांटेज आपको बस बताना, मैंने पढ़ा है एरे का एडवांटेज क्या है, आपको बताना है कि इजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप, क्या कि इजियर टू स्टोर एलिमेंट सेम डाटा टाइप, सही बात है, होता है, यूज टू इम्प्लीमेंट अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक एंड क्यू, सही बात है, कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस टू डी, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, मैं बता दूं आपको कि इसके आंसर हो जाएंगे डी, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन आपको टिक कर लेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं कंपटीशन में, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रिपीट भी होते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम पहला वाला लगाएं तीसरा लगाएं, लेकिन कभी कभी आंसर डी हो जाता है, सारे के सारे आंसर सही हैं इसके, ठीक है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे, एरे का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, एरे का डिसएडवांटेज बताएंगे, वी मस्ट नो बिफोर हैंड हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द एरे, सही बात है, क्योंकि इसका एरे का जो साइज है फिक्स होता है, देर आर चांसेज ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, ये भी सही बात है कि क्योंकि चांसेज है मेमोरी के वेस्टेज होने के, इंसर्शन डिलीशन बिकम्स टीडियस, सही बात है, इंसर्शन डिलीशन बिकम टीडियस हो जाता है, इसलिए तो लिंक लिस्ट आया, इसलिए तो यहाँ क्योंकि किसी फ्रंट से आप कर सकते हैं, आगे से पीछे से नहीं कर सकते हैं, और इसलिए लिंक लिस्ट एक फायदा देता है, स्टैक क्यू एक फायदा देता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है, भी आंसर आप करेंगे आंसर डी हो जाएगा, एरे आर अ फिक्स साइज, ठीक है, पढ़ लेंगे आप वीडियो को रोक के, वीडियो लंबी चली जाएगी नहीं तो मेरी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज्यूमिंग इंट इज ऑफ 4 बाइट्स, मान लीजिए कि कोई भी इंटीजर की वैल्यू है, मान लीजिए 4 बाइट्स लेता है, अगर उसकी जो साइज है एरे में 15 है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कितनी बाइट्स टोटल हो जाएगी, तो 15 × 4 = 60, बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, अगर एक इंटीजर एरे 4 लेता है 15 है तो कितना लेगा, 15 × 4 हो जाएगा 60, इसका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है, आंसर करके आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, सिंस देयर आर 15 इंट एलिमेंट इन इज ऑफ 4 बाइट्स, तो देन वी गेट 15 × 4 दैट इज 60 बाइट्स, ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आंसर सारे समझ आए होंगे, डाटा स्ट्रक्चर का पहला पार्ट था मेरा, मैंने कोशिश किया आपको सारा सारा एक्सप्लेन कर सकूं, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन में आए हुए हैं, अगर आप DRDO NTRO ISRO या किसी भी अदर कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में स्पेशली, तो आपको ये बहुत फायदा करेगा, और अगर आपको और भी लेक्चर देखने हैं तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स का, पोर्ट्स का, क्रिप्टोग्राफी का और भी मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, डाटाबेस का, वो सभी आप देख सकते हैं, 10-10 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, ये क्लास 1 था, फिर मैं इसके बाद स्टैक क्यू लिंक लिस्ट पे आऊँगा। चलिए मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर जरूर करें, अगर कोई भी कमेंट कोई भी अगर क्वेरी है तो मुझे नहीं लगती कि कोई भी क्वेरी आपको रही होगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी इतना अच्छे से करता हूँ कि आपको क्वेरी नहीं बचेगी, फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, अगर आप कहना चाहते हैं वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आप कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेट होते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, अगर कोई भी इसमें हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, फिर मैं आपको मैं आपका स्वागत करूँगा जरूर आपके कमेंट का,
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए।